विधायक नितेश राणे ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में राज्य सरकार जांच कर न्याय देने का कार्य करी है। साथ ही राणे द्वारा आदित्य ठाकरे के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। राजपूत के मामले में राज्य सरकार जो है न्याय देने का काम कर रही है, इसका आभार व्यक्त करते हुए आपने आदित्य ठाकरे का पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की है, क्योंकि वो प्रमुख आरोपी में उनका नाम है। अगर ऐसा प्रमुख आरोपी हर जगह घूमता रहेगा तो ऐसा भी डर है कि वो शायद देश छोड़ के चले जाए, इसलिए मैंने सरकार को विनती की है कि उनको पासपोर्ट जब्त करे और उनके नाम पे लुकआउट नोटिस निकाले। ड्रग्स मामले में भी आपने एक मुद्दा उपस्थित किया है सभागृह में, क्या? नासिक में भद्रकाली एरिया में MD नाम का ड्रग बेचा जा रहा है, वहाँ का अल्पसंख्यक समाज उस माध्यम से समाज को खराब करने का काम कर रहा है। रात को दो दो तीन तीन बजे तक वहाँ सारे होटल और सब शुरू है, तो उस बारे में मैंने गृह मंत्रालय को एक पत्र मैंने आज निवेदन किया हाउस में, और जल्दी से जल्दी हमारे गृह मंत्रालय उसके ऊपर कार्रवाई करेगा ऐसी अपेक्षा है सरकार की आहे। त्या बाबतीमध्ये आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांनी हा विषय सांगितलेला आहे, पण त्याचबरोबर सरसकट कुणबी दाखले देण्याचा पण मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे विरोध आहे। ज्यांना कुणबीचे दाखले घ्यायचे त्यांनी कुणबीचे दाखले घ्यावे, पण ज्यांना मराठा समाज म्हणून दाखले घ्यायचे मराठा म्हणून दाखले घ्यायचे त्यांनाही दाखले त्यांचे राहावेत किंवा त्यांना मिळावेत, कोणालाही सरसकट कुणबी दाखले देऊ नये अशी मागणी मी सरकारकडे केलेली आहे। विधायक नितेश राणे इन्होंने जो है ड्रग्स मामले में और आदित्य ठाकरे इस मामले में जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।